पाकिस्तान से मैं और आप देख रहे हैं क्रिकेट भी तुम्हारा साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भाईजान क्या परफॉर्मेंस दिया इंडिया की यंग टीम ने। पहले रिंकू सिंह ने बैटिंग में आके उखाड़ के फाड़ के हाथ में पकड़ा दिया सबकी, और अपने पहले इंटरनेशनल इनिंग में रिंकू सिंह ने यह बता दिया है कि वो इस टाइम दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर है, वो हर टाइम कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर जब बॉलिंग की बारी आई है, जसप्रीत बुमराह भाईजान आप पिछली मैच में 4 ओवर में 24 रन दे गए, 2 विकेटे, 11 महीनों के बाद बंदा कमबैक कर रहा है। एवे जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं बोला जाता, एवे मैं नहीं बोलता कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 200 टाइम बेटर देन बॉलर है जो है वो शहीन शाह अफरीदी से, 200 टाइम बेटर देन बॉलर है शहीन शाह अफरीदी से जसप्रीत बुमराह भाईजान। क्योंकि जसप्रीत बुमराह 11 महीनों के बाद आया, आते सार उसने जो फाड़ डाला ना, पहले मैच में 4 ओवरों में 24 रन दे के 2 विकेटें, पहले ओवर में 2 विकेटें नहीं थी, आज क्या किया, आज 4 ओवरों में 15 रन दे के 2 विकेटें। भाईजान जो डेथ ओवर किया आखिरी, उसके बाद जो बॉलिंग की है पूरे मैच में, पूरी सीरीज में इंडिया ने सीरीज जीती है, रिंकू सिंह ने छक्के मारे हैं, बुमराह की वापसी हुई है, मतलब भाईजान इंडिया की अब एशिया कप का वो जो है ना, वो जो लोग कुछ पाकिस्तानी घंटे कह रहे थे कि जी इंडिया एशिया कप में क्या करेगा, इनकी तो बॉलिंग ही पूरी नहीं है, बॉलिंग सर पूरी हो गई है। जसप्रीत बुमराह अब आपको बताता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि वो जिस फॉर्म में है ना, उसके जो यॉर्कर पटक करके पड़े हैं ना, आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया का वाहिद बॉलर है जो डेथ ओवर में स्पीड यॉर्कर मारता है, ऐसे जो निशाने पे, वो कहते हैं ना कि निशाने पे यॉर्कर जाके लगता है उसका, दुनिया में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसका डेथ ओवर में निशाने पे जाके यॉर्कर लगे। सॉरी टू से शाहीन अफरीदी डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, हारिस रऊफ डेथ ओवर का बॉलर कहते हैं लेकिन है कोई नहीं, हाँ टी ट्वेंटी में आप कह सकते हो लेकिन वनडे में वो नहीं है। हाँ एक प्रॉपर बॉलर है पाकिस्तान के पास, उसका नाम है नसीम शाह, वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन भाईजान इंडिया की बात करनी है, अदर इंडिया की यंग टीम की, ये आईपीएल का टैलेंट, ये है आईपीएल का टैलेंट, ये आईपीएल का टैलेंट अपनी कंडीशन से एक अलग कंडीशन में जाके परफॉर्म कर रहा है। पीएसएल का टैलेंट, जब पीएसएल खत्म हुई थी अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने सीरीज करवाई थी, अफगानिस्तान ने 93 पे उनको ऑल आउट कर दिया था, वो भाईजान दुबई की कंडीशन थी, अपनी कंडीशन थी, उधर इनके लोड़े लग गए थे, और ये आईपीएल का जो टैलेंट है ये तो भाईजान एक अलग कंडीशन में गया है, ये तो एक ओवरसीज कंडीशन है, उधर जाके इन्होंने भाईजान आयरलैंड के लोड़े लगा दिए हैं, बॉलिंग में देख लो, बैटिंग में देख लो, प्रसिद्ध कृष्णा की शुरू की, एक ओवर उसका निकाल दो, बाकी 3 ओवर उसके देखो, जिस तरह उसने ऊपर से आके विकटे ली है भाईजान, बॉलिंग बेटर हो गई है इंडिया की, बैटिंग उनकी तो आ गई, मैं क्या कहता हूँ क्या बात है उसकी बैटिंग की ना, ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग की, संजू सैमसन ने जो वो जोश लिटल का अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, लेकिन फिर नीचे से आके रिंकू सिंह इज किंग, मतलब वो कमेंटेटर ने बोला कि रिंकू सिंह है ना वो जो किंग है, और जिस बंदे के साथ किंग लाग जे उस बंदे का फिर आपको पता है कि क्या चीज है, किंग एक बंदे के साथ लगता है उसका नाम है विराट किंग कोहली, फिर कमेंटेटर जिसको बोल दे कि रिंकू सिंह इज किंग, मतलब जिस बंदे के साथ आप किंग लगा दो वो तो फिर अनोखा हो जाएगा ना, क्योंकि किंग हमारा दुनिया में यही है उसका नाम है किंग कोहली, रिंकू सिंह के साथ भी किंग लगाया गया और उसने किंग वाली ही परफॉर्मेंस दी है, बाहर निकल के छक्के, मिड ऑन, मतलब हर जगह पर उसने कोई जगह छोड़ी नहीं है, हर जगह पर उसने कोई जगह छोड़ी नहीं है भाईजान, उसने बता दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर है। मुझे एक बात बताना, लग रहा था कि ये बंदा अपनी इंटरनेशनल कह रहे की पहले ही नहीं खेल रहा, इधर बाबर आजम साहब जी कब से पाकिस्तान की जो है वो खेल रहे हैं, नंबर 1 भी रह चुके हैं पोजीशन रैंकिंग में, लेकिन स्ट्राइक रेट वही 125, चाहे आयरलैंड ले हो, चाहे युगांडा ले हो, चाहे जो है वो कुछ भी ले हो, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट टी20 में 125 रहना, उसने भी छोटी टीमों के खिलाफ भी ऊपर नहीं लेके जाना, उन्हें कसम चुकी है कि जी मैं अपने वास्ते ही खेलना है, टीम ऐसे चढ़े मैं अपने वास्ते खेलना है। रिंकू सिंह को देखो, अपने लिए उसने खेलना होता ना वो क्यास कर लेता, उसने टीम के लिए खेला है, उसने टीम के लिए खेला है, 38 पे आउट हो गया, अगला टिपिकल यंग टैलेंट इंडिया का नजर आया इस मैच में, इस सीरीज में, ये भाईजान टैलेंट है इंडिया का, अपनी से अलग कंडीशन में जाके जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। देखें आप टी ट्वेंटी क्रिकेट आपने सुना होगा यार एक दो बंदा परफॉर्म करता है मैच जीत जाते हो, लेकिन अगर आप इस मैच को उठा के देखोगे ना, पूरी इंडियन साइड ने परफॉर्म किया, बैटिंग में सब ने कंट्रीब्यूट किया,
आप ऋतुराज गायकवाड़ को देख लो, आप संजू सैमसन को देख लो, आप जो है वो नीचे से शिव दुबे को देख लो, रिंकू सिंह को देख लो, बॉलिंग में आप प्रसिद्ध कृष्णा को देख लो, उसके बाद रवि बिश्नोई को देख लो, जसप्रीत बुमराह को देख लो, उस वो तो किंग है ना, आंखों का तारा है भाईजान। जसप्रीत बुमराह की भी तस्वीर इधर मैं लगाऊंगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी भाईजान डिजर्व करते हैं कि उनकी तस्वीर इधर लगे, क्योंकि इधर सबकी तस्वीरें लगी हुई है। सूर्य कुमार यादव की लगी हुई है, सॉरी शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली की तो 10-15 लगी हुई है, लेकिन एक तस्वीर हम जो है जसप्रीत बुमराह की भी लगाएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप में और वर्ल्ड कप में सख्त तबाही मचा दी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आराम से इस्तेमाल करना होगा, बड़े मैचेस में इस्तेमाल करना होगा। ये जो छोटे मोटे ये यू यूएई ये नेपाल नेपोल के खिलाफ मैच है ना, इसमें जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम तो आपको बता के सारे मैचेस खेलता है ना उसने, तो जी युगांडा शुगांडा हर किस्म के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह को आपने जो है संभाल के रखना है। जसप्रीत बुमराह ने बड़े मैचेस खेलने हैं, छोटे मैचेस में रेस्ट करने हैं, क्योंकि भाईजान वो ऐसा बॉलर है कि जो किसी भी टाइम आगे ना मैच बदल सकता है, किसी भी टाइम आगे वो बंदा मैच बदल सकता है, और देख लो 11 महीनों के बाद कमबैक करके आ रहा है। लग नहीं था रहा कि यार आते सारे इस तरह करेगा, लेकिन उसे बोला कि मैं वर्ल्ड क्लास बॉलर हूँ, तो यार कर देखो, ऐसे लग रहा है जिससे रेगुलर क्रिकेट खेलता आ रहा है वो, तो अच्छा बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वाइस कप्तान भी बन रहा है इंडिया का। अगर आपको किसी को पता भी नहीं चला तो मैं भी बता दूं, जसप्रीत बुमराह एशिया कप और वर्ल्ड कप में इंडिया के वाइस कप्तान बन के जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या से वाइस कप्तानी वापस ले ली जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब अपने बोल रहे कि आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, भाई जाना आए तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब करो ना, कि जी रिंकू सिंह की बैटिंग अच्छी लगी है, जसप्रीत बुमराह के छक्के अच्छे लगे हैं, सॉरी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग अच्छी लगी है, रिंकू सिंह के छक्के अच्छे लगे हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और घंटू को बता दो कि भाईजान जसप्रीत बुमराह वापस आ चुका है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत रहेगी।